नमस्ते, शैला किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम फ्राई चिकन मोमोज बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते। एक कप मैदा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त आटा गूंथेंगे। अच्छे से आटे को गूंथ लेना है। मोमोज का आटा तैयार है, ढककर रख देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, एक चम्मच तेल डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटा हुआ लहसुन डालेंगे, दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से भून चुके हैं। 3 चम्मच सेजवान सॉस डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। भून लेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 किलो चिकन कीमा डालेंगे। चिकन को मसाले के साथ भून लेंगे। थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। भून लेंगे। चिकन पकाने के लिए 1/2 कप पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिला लेंगे। चिकन को धीमी आंच पर 20 मिनट पका लेंगे, ढककर पका लेंगे। बीस मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे, चेक करेंगे चिकन पका है कि नहीं। मोमोज का स्टफिंग तैयार है। निकाल के ठंडा कर लेंगे। आटा लेके मोमोज बनाएंगे। छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। एक पेड़ा लेके आटे में घोल के पूरी बनाएंगे। छोटे छोटे पूरी बना लेंगे। हमें पतली वाली पूरी बेलनी है। हमें अच्छे से पूरी को बेल लेना है। हमारी पूरी तैयार है। चिकन की स्टफिंग लेंगे। 1 चम्मच स्टफिंग लेके पूरी के बीचों बीच डालेंगे।
पूरी के किनारे को पानी लगा लेंगे। पूरी को अच्छे से बंद कर ले कि स्टफिंग बाहर नहीं आए। किनारों को अच्छे से दबा लेना है। इस तरह से दोनों कॉर्नर को पानी लगा के जॉइंट कर लेंगे। इस तरह मोमो तैयार है। इसी तरह सब मोमोस तैयार कर लेंगे। हमारे मोमोस तैयार है, अब फ्राई कर लेंगे। कड़े में तेल लेंगे डीप फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने के बाद एक एक मोमो छोड़ेंगे। मोमोज को धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे मोमो तैयार है, प्लेट में निकल के सर्व करेंगे। शेजवान सॉस के साथ सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।